हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोग से क्वेश्चन किया था कि क्या आप लोगों को हेयर एडिटिंग का वीडियो चाहिए, तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया कि हाँ भाई, हेयर एडिटिंग का वीडियो लाओ। तो फाइनली गाइज, हम लेकर आ चुके हैं हेयर एडिटिंग आप कैसे कर सकते हैं ऑटोडेस्क स्केच बुक के अंदर। पूरा फुल ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, आप अपने हेयर पर कैसे कट लगा सकते हैं, आप अपने हेयर को कैसे परफेक्ट बना सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। एंड दोस्तों, आपको पता है कि मैंने एक और वीडियो बना रखा है हेयर एडिटिंग का, जिसमें दोस्तों मैंने ओनली बताया था कि आप अपने हेयर पे कैसे PNG ऐड कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार ये होता है ना कि PNG हमारा सेट नहीं हो पाता है, वहाँ पे हमें अपने हेयर को परफेक्ट करना होता है, तो इस वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी। और दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं ओरिजिनल पिक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप इस वीडियो को देखिए और जाकर के उस पिक को डाउनलोड कीजिएगा और आप भी ट्राई कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार शर्मा, आप देख रहे हैं RKPS फोटो एडिटिंग। तो चलिए इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस, मैंने अपने फोटो को ओपन कर लिया है। अब इस फोटो को हम डायरेक्टली शेयर करेंगे ऑटोडेस्क के अंदर, ठीक है, क्योंकि हम ऑटोडेस्क के अंदर ही अपना हेयर एडिटिंग जो है करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैंने इस पिक को ऑटोडेस्क स्केच बुक के अंदर भेज लिया है। आपको ये एप्लीकेशन सिंपली प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ऑटोडेस्क स्केच बुक, जा करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन इस वीडियो को शुरू से अंत तक आपको देखना होगा स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि इसमें बहुत लोग गलतियाँ करते हैं जिसके वजह से हेयर जो है ख़राब हो जाता है एंड फेस भी हमें स्मूथ करते हैं वो भी ख़राब हो जाता है। तो अगर इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा तो आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी, कैसे कैसे आपको ब्रश को चलाना है, कौन कौन सा ब्रश यूज़ करना है आपके हेयर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखते रहिए, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ब्रश वाले आइकन पर क्लिक करना है और हेयर एडिटिंग के लिए आपको इस स्मज ब्रश दिखाई दे रहा है ना, इसमें आपको अब कौन सा ब्रश लेना है मैं ये भी बताऊंगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे आपको ब्रश देखने को मिल जाएंगे, तो सिंपल से आपको चले जाना है नीचे, यहाँ पे जो लिखा है ना स्मज, इसमें आपको ये वाला ब्रश सेलेक्ट करना है, सबसे ऊपर वाला जो लिखा है ना स्मज वेव ब्रश, इसको आपको सेलेक्ट करना है। अब सेटिंग क्या रखना है आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे सेटिंग मैंने रखा है 22 और 20 रखा है, लेकिन आपको थोड़ा सा और बढ़ा लेना है, ठीक है। आप यहाँ पे 30 कर देना, इसको भी आप 30 कर सकते हैं, ठीक है, 29 भी कर लीजिए। और साइज़ को आप बहुत ही छोटा रखना है, ठीक है, आपको मतलब आप साइज इस ये वाला आपका ब्रश है, ठीक है। अगर आप इस ब्रश पे इस तरह राइट साइड अप जाते हैं ना, राइट साइड अप इस तरह खींचिएगा तो यहाँ पे इसका साइज़ जो है बढ़ेगा, और इधर जाइएगा लेफ्ट की तरफ तो ये घट जाएगा। तो आपको यहाँ पे साइज़ देख लेना है कि मेरे हेयर पे कौन सा साइज़ बढ़िया से काम कर रहा है। तो मैंने अभी साइज़ को यहाँ पे देखिए 4.6 रखा है, ठीक है। और इस तरीका से हम ब्रश के पकड़ेंगे और ऊपर की तरह इस तरह खींचेंगे, लेकिन देखिए ना, तो यहाँ पे बहुत पतला हो रहा है, तो यहाँ पे हम साइज़ को थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे। चलिए मैंने इसको 8 कर लिया, ठीक है, 8 करते ही मेरा ठीक ठाक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जिस दिशा में आपका बाल है ना, जैसे मान लीजिए इधर की ओर गया है ना इधर, तो आपको इधर से ही खींचना है, ठीक है। यानी कि आप इधर से कीजिएगा ना ऐसे तो गलत हो जाएगा, यानी कि आपका बाल जो है ख़राब हो जाएगा। यहाँ से आपको बैक आना है और आराम आराम से ऐसे आपको ऊपर की तरफ इस तरीके से आपको अपने हेयर को ऊपर की तरफ करना है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर भी है सारा मतलब करना है, तो थोड़ा सा यहाँ पे और ब्रश के साइज़ को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर ले रहे हैं, ठीक है, अराउंड 10 के आसपास रखना है। और ऐसे आपको पहले मोटा मोटी ऐसे खींचना है, ठीक है, बाद में मैं आपको बताऊँगा कैसे आप एक्यूरेट कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पहले मोटा मोटी आप कर लीजिए ताकि आपका हाथ इस पर बैठ जाए, ठीक है। ऐसे आपको मतलब अपने फ़ोटो को ना घुमा घुमा करके करना है ताकि ये फ़ोटो आपका ख़राब ना हो। तो ऐसे पहले हम इसको, चलिए मैं इसको इधर भी कर ले रहा हूँ, ठीक है। इधर जहाँ भी आपका हेयर है ना उधर आप बहुत हिसाब से आपको करना होता है, मतलब बहुत आराम से करना है, नहीं तो आपका फेस यहाँ पे ख़राब होगा तो फिर आपको दिक्कत होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको कर लेना है, मैं इसको आराम आराम से कर ले रहा हूँ। तो देखिए, और मैं स्मूथ भी करूँगा फेस को, उसको भी मैं बताऊँगा कि कैसे आपको करना है। तो इसको आप ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। मैंने वीडियो को फास्ट नहीं किया है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम हो, ठीक ना। तो यहाँ पे मैंने वीडियो को स्लो ही रखा है और ऐसे ही देखिए, अब यहाँ पे बाल जो है नीचे की तरफ गया है, तो आपको धीरे धीरे इस तरीके से नीचे की तरफ घुमाना है, ठीक है। देखिए नीचे की तरह है ना, तो आपको नीचे की तरह ही जाना है। अभी मैं मोटा मोटी कर ले रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद और भी ब्रश मैं इसमें यूज करूँगा जिससे आपका बाल एकदम एक्यूरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट तक है, तो यहाँ तक हम कर लिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीका से कर लिया है, बट इसको एक्यूरेट भी करना है, तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा और जहाँ जहाँ बाकी लग गया है ना, इसको थोड़ा सा और हम ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं।
तो दोस्तों इसको मैंने कर लिया। उसके बाद अब आपको कौन सा ब्रश लेना है अपने हेयर को यहाँ पे परफेक्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत मोटा मोटा सा दिख रहा है लेकिन हमको पतला करना है। तो सिंपल से इस वाले ब्रश पे क्लिक करेंगे, लाइब्रेरी पे जाएंगे और आपको ये वाला ब्रश सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको चले जाना है यहाँ पे सेटिंग में, और सेटिंग में आप देख लीजिए यही सेटिंग रखना है 14 और 33, ठीक है। आपको ये सेम टू सेम यही सेटिंग रखना है और इसको इसका स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए। आप चाहें तो यहाँ पर आप साइज को आप अपने अकॉर्डिंग रखना है, तो साइज को थोड़ा बड़ा रखना है, ठीक है, और अपने फोटो को जूम करना है और इस तरीका से खींचना है, ठीक है। आपको अपने मतलब हेयर के ना कॉर्नर पे ऊपर पकड़ करके ऐसे आप खींचिएगा तो वहाँ से ना एक पतला पतला सा हेयर निकलेगा जो आपके हेयर को काफ़ी परफेक्ट बनाएगा, ठीक है। और एक और ब्रश का हम यूज करने वाले हैं, ठीक है, तो इसको हम फटाफट से ऐसे ही आपको करना है। आप देखिए इसमें आप ज़्यादा जल्दीबाजी कीजिएगा तो आपका हेयर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बढ़िया से एकदम आराम आराम से ऐसे अपने ब्रश को चलाना है। तो चलिए मैं इसको भी थोड़ा सा वीडियो को स्पीड करके फटाफट से ऊपर कर ले रहा हूँ। सो गाइस इसको भी मैंने कर लिया। अब फिर से हम वही ब्रश लेंगे जो अभी अभी हम यूज़ कर रहे थे, ठीक है। इस वाले ब्रश को लेंगे और ये नीचे वाला हम ब्रश लेंगे, ठीक है। ये वाला आप ब्रश लेंगे और सेटिंग आप देख लीजिए इतना रखेंगे, ठीक है। और इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और बीच बीच में कहीं कहीं थोड़ा सा हम इस तरीके से कर देंगे ताकि ये लगे मेरा हेयर मतलब ओरिजिनल सा लगे, ठीक है। आपको बराबर नहीं करना है, कहीं कहीं बीच में आपको ऐसे ऐसे कर देना है ताकि मतलब बीच में भी एक छोटा बड़ा बाल दिखेगा ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। तो आपको ये वाला मतलब तीन ब्रश का यूज करना है, तीनों ब्रश बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है। इसको आप स्क्रीनशॉट इसका सेटिंग कर लीजिएगा और अप्लाई कीजिएगा, काफ़ी अच्छा यहाँ से हेयर बन के आता है, ठीक है। तो बीच बीच में आपको अप्लाई करने से ना यहाँ पे कुछ अलग ही मतलब लुक देखने को मिल जाएगा, आप ऐसे करके देखिएगा। बहुत इस इमेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे चुके हैं, ठीक है, थीके? तो आप जा करके उसको डाउनलोड कीजिएगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। आप चाहें तो वीडियो बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर लिए। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, मेरा हेयर तो यहाँ पे देख सकते हैं परफेक्ट मैंने इसको बना लिया है। उसके बाद कुछ कट लगाने वाले हैं, इसको आप ध्यान से देखिए हम कैसे लगाते हैं, कौन सा ब्रश यूज करते हैं, ठीक है, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं कट लगा करके। सिंपल से अपने फोटो को इस तरीके से रखना है और यहाँ पे जाना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो गाइड्स लिखा है ना इस पे आपको टैप करना है। अब आपको एक स्केल मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका यूज हम कैसे करेंगे देखिए, आप अपने अकॉर्डिंग रखना है, ठीक है, आपको कैसा अच्छा लगता है। तो चलिए मैं फ़ोटो को यहाँ पर जूम करूँगा और यहाँ पर मैं फ़िक्स कर दूँगा, ठीक है, इस वाले स्केल को, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से बड़ा भी हो जाएगा, छोटा भी हो जाएगा। तो ये नीचे वाला हिस्सा, नीचे वाला जो पर्सन है ना ये काम करता है, तो इसको हम ऊपर कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है, और इतना हम रख लेंगे, ठीक है। ये वाला यहाँ से पकड़ करके ऊपर करेंगे और अपने फ़ोटो को हम बढ़िया से एडजस्टमेंट यहाँ से कर लेंगे, ठीक है, इतना हम कर लेंगे। और यहाँ पे हमें कॉट लगाना है, तो कॉट लगाने के लिए आपको कौन सा ब्रश लेना है ये भी आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे जाना है ब्रश वाले आइकन पे, लाइब्रेरी पे जाना है और लास्ट वाला जो ब्रश है ना जो लिखा है स्मॉच सॉफ्ट राउंड ब्रश, इसको आपको सेलेक्ट करना है। सेटिंग देखिए क्या रखना है, 61:26 से थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, 60 से थोड़ा सा आप कम भी कर सकते हैं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा मतलब रखना चाहते हैं। चलिए 60 में मतलब काफ़ी अच्छा है सेटिंग है, आप यहाँ पे 40 या 42 के आसपास रख लीजिए, ठीक है। और साइज आप साइज को थोड़ा सा और आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इतना आपको रखना है 6 या 8 के आसपास, ओके। और इस तरीके से नीचे एक बार पकड़ना है और ऐसे खींचना है, ठीक है, तो डबल दो बार खींचना है, जितना बार आप ऐसे करिएगा ना उतना बार एक कॉट लगते जाएगा, ठीक है। तो एक कॉट यहाँ पर मैंने लगा दिया, बट एक और कट हमको लगाना है, तो चलिए एक और कट लगाना है तो यहाँ पर हम इसको रखेंगे। अब आपको स्केल को नहीं छेड़ना है, ओके, अब आपको केवल फ़ोटो को ही मतलब देखना है, फ़ोटो को कि हमें कहाँ से एडजस्टमेंट हो पा रहा है बढ़िया से, चाहे तो आप इसको भी इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। तो एक कट हम यहाँ पे भी लगाने वाले हैं, तो ऐसे हम पकड़ेंगे, पहले आपको छोटा सा खींचना है उसके बाद लिस्टर लास्ट तक खींच लीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये कट लग जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो साइज आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, 8 रखिए। और चलिए एक यहाँ पर भी हम कट लगाने वाले हैं, आपको जहाँ पर भी लगाना हो आप लगा सकते हैं इस ब्रश का यूज करके, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर 2 कट लगाऊँगा, तो चलिए यहाँ पे भी लगा ले रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसे आपको लगाना है, ओके। आप चाहें तो यहाँ पे भी एक सेंटर में दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कट मैंने ऐसे लगा लिया, आप चाहें तो यहाँ पे क्या कीजिएगा ना थोड़ा सा ब्रश के साइज को बढ़ाइएगा ना तो और बेटर होगा, आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है। और इसको हम हटा देंगे, अब मेरा ये काम हो चुका है। उसके बाद हम अपने फेस को स्मूथ करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ब्रश वाले आइकन पर जाना है, लाइब्रेरी पर जाना है और ये वाला ब्रश सेलेक्ट करना है, ठीक है, स्मॉच राउंड, ठीक है। तो ये वाला ब्रश आप सेलेक्ट कीजिए, फिर आपको सेटिंग पर जाना है, सेटिंग आपको ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है, आपको रखना है यहाँ पर 6, यहाँ पर ऊपर 3 रखना है, ठीक है।
और साइज आप अपने फोटो के अकॉर्डिंग रख लीजिएगा, थोड़ा सा बढ़ा करके इतना बड़ा साइज रखना है। और ऐसे ऐसे आपको राउंड राउंड सा घुमाना है तो आपका स्क्रीन जो होगा यहाँ से स्मूथ होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज मैंने अपने स्क्रीन को भी यहाँ पे स्मूथ कर लिया, अब हमारा फोटो जो है यहाँ पे बनकर रेडी हो चुका है। अब इसको हम कर लेंगे यहाँ से सेव। सेव करने के बाद इस फोटो को हम लाइटरूम के अंदर ओपन करेंगे और वहाँ पे थोड़ा बहुत कलर ग्रेडिंग कर देंगे, जिससे मेरा फोटो जो है एक्यूरेट तरीके से बन जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से मैं अपने फोटो कर ले रहा हूँ सेव। अब सेव करने के बाद इस फोटो को एक बार ओपन करेंगे लाइटरूम के अंदर, ठीक है। तो चलिए मैं लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं अपने फोटो को भी ओपन करूँगा और थोड़ा बहुत कलर ग्रेडिंग कर दूँगा, जिससे मेरा फोटो जो है एक्यूरेट तरीका से बन के रेडी हो जाएगा। तो मेरा ये वाला फ़ोटो था तो इसको मैंने ऐड कर लिया। तो यहाँ पे इनपुट हो चुका है मेरा फ़ोटो, आप देख सकते हैं। और भी आपको जिस तरह का एडिटिंग चाहिए आप लोग कमेंट करना, मैं वैसा ट्यूटोरियल लाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और मेरा वीडियो थोड़ा सा लेट हो रहा है आने में, डेली बाय डेली मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है, इसके लिए सो सॉरी। आपको क्या करना है, ऑटो कर लेना है। ऑटो करने के बाद लाइट में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे जाना है और बाकी मिक्स टूल पे जाना है। और यहाँ से ना इसके ह्यू को कम करेंगे, सेचुरेशन को बढ़ा लेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप फेस के कलर को भी आप गोरा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा वाइट में रखना है, येलो में, तो इस तरीके से येलो टेन देंगे यहाँ से। और यहाँ से इसके सेचुरेशन को हम बढ़ा लेंगे, ठीक है, ह्यू को हम कम करेंगे और यहाँ पर भी इसके सेचुरेशन को हम थोड़ा सा बढ़ाएँगे, ठीक है। और यहाँ से डन करेंगे। डन करने के बाद आपको इफेक्ट में जाना है और यहाँ से ना क्लैरिटी थोड़ा सा आपको दे देना है अपने फ़ोटोज़ में, और तो आपका फ़ोटो और ज़्यादा यहाँ से अच्छा लगेगा। बाकी यहाँ पे फिर से कलर पे जाना है और यहाँ पे ग्रेडिंग पे क्लिक करना है, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से ना आप अपने फ़ोटो में ना कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने इसी वीडियो में जो है क्लियर कर दिया, उसके बाद यहाँ से हम डन कर लेंगे। डन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा फ़ोटो बन के रेडी हो चुका है। लिप्स का कलर तो मैं बता ही दिया हूँ, ये ऑटोडेस्क में ही होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग बढ़िया से कर लेना। बाकी यहाँ से अब हम फोटो को सेव करेंगे। हालांकि ये वीडियो केवल मतलब हेयर पे ही था, लेकिन मैंने स्किन को भी बता दिया। तो यहाँ से मैं इस वीडियो फ़ोटो को सेव कर लूँगा और मेरा फ़ोटो जो है बन के रेडी हो जाएगा। आप धीरे धीरे से कीजिएगा, काफ़ी अच्छा एडिटिंग होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से आपका फ़ोटो सेव हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम जब भी वीडियो डालेंगे इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप मेरे वीडियो को पहले देख पाओगे। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं अगले न्यू फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।